नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं एलसी फ्लॉक्स डी आई और एयर ड्रॉप्स के बारे में। दोस्तों, एलसी फ्लॉक्स आई और एयर ड्रॉप्स को कब इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट एलसी फ्लॉक्स डी ड्रॉप्स के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, एलसी फ्लॉक्स डी ड्रॉप्स की बात करें तो इसको एल्कम फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 38 रुपीज़ के इस पर एमआरपी होती है। 10 ml की पैकेजिंग में ये ड्रॉप्स आता है। दोस्तों, ये एल्केम कंपनी के द्वारा बनाई गई एक जेनेरिक मेडिसिन है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर दो तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, सिप्रोलॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड 0.3% बेड बाय वॉल्यूम और डेक्सामेथासोन 0.1% बेड बाय वॉल्यूम। दोस्तों, इन दोनों इंग्रेडिएंट के इसके अंदर इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, एलसी फ्लॉक्स डी ड्रॉप्स को जो मेनली जो इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, दोस्तों यदि आपका आँख का लाल होना, आँख में खुजली होना, आँख में सूजन आना या आँख में दर्द होना, तो दोस्तों इन सभी कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इस ड्रॉप को दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपके कान में दर्द की समस्या है, आपके कान में पस है, आपका कान बह रहा है, आपके कान में खुजली हो रही है या आपके कान में झनझन की आवाज़ आ रही है, तो दोस्तों इन सभी कंडीशन में इस एलसी फ्लॉक्स डी ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप इसको किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप से आसानी से खरीद सकते हैं या आपको 20 से 25 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आपको इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर और शाम। दो दो बूंदें आपको डालना है आँख में, या आपके आँख में समस्या है या आपके कान में समस्या है तो उस समय भी आपको 2 से 3 ड्रॉप को आपके कान में डालना है। दोस्तों, आप इस एलसी फ्लॉक्स डी ड्रॉप का अगर इस्तेमाल करते हैं तो अपनी डॉक्टर के एडवाइस पर ही करें, खुद से बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, पैकेजिंग की बात करें तो देख सकते हैं आप इस तरह की पैकेजिंग में ये दिया होता है। आप जब भी इसका इस्तेमाल करें दोस्तों, इसकी ओपन की डेट जरूर लिख लें, क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है तो इसको 10 से 15 दिन तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।